फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुक विद कनक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जमाऊंगी मोटे मलाईदार दही, वो भी मिट्टी के बर्तन में। इसे हम बहुत ही आसानी से घर पे जमा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दही जमाने के लिए लेंगे दूध। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, गाय का या भैंस का कोई भी ले सकते हैं। और अगर पैकेट वाला ले रहे हैं तो हमेशा फुल क्रीम ही दूध लें। फुल क्रीम दूध से दही अच्छी जमती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर दूध और दही जमाने के लिए जामुन। सबसे पहले दूध को उबाल लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे एक उबाल आने देंगे। बर्तन में दूध डालने से पहले इसे थोड़ा सा पानी से भिंगा लें ताकि दूध बर्तन के तले में ना चिपके और दूध जले नहीं। दही जमाने से पहले मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से धो लें और हो सके तो कम से कम 1-2 घंटे इसमें पानी भर के रख दें ताकि जब इसे हम गर्म करें तो ये क्रैक नहीं हो। दूध में उबाल आ चुका है, इसे चलाते रहेंगे। इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। दूध में एक उबाल आने के बाद इसे 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे ही छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे थोड़ा सा चला लेंगे ताकि दूध बर्तन में चिपके नहीं और ये अच्छी तरह से पक भी जाए ताकि दही हमारी बहुत ही अच्छी जमे। बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध को पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। दूध जब तक ठंडा हो रहा है तब तक क्या करेंगे कि इन मिट्टी के बर्तनों में जो हमने पानी भर के लिए थे उसे हटा लेंगे। पानी को हमने हटा लिए हैं, अब गैस को फिर से ऑन करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इस पे मिट्टी के बर्तन को हल्का सा सेक लेंगे गैस के ऊपर। ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस सूखने तक ही सेकना है। ज़्यादा सेकेंगे तो ये गर्म होने की वजह से क्रैक हो जाएगी। इस तरह से हमें घुमा घुमा के मिट्टी के बर्तनों को सेक लेना है। ये सीख चुकी है, इसे हटा लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी सेक लेंगे। इसे तब तक सेकना है जब तक कि इससे सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। ये सीख चुकी है, इसे हटा लेते हैं। इसी तरह दूसरे मिट्टी के बर्तन को भी हम सेक लेंगे। दूसरा बर्तन भी हमारा सीख चुका है, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इस दूध को थोड़ा इस तरह से ऊपर से इस तरह से फेंटेंगे ताकि इसमें फेन बनेगा, जिसकी वजह से दही जो हमारी जमेगी वो एकदम मोटी मलाईदार बनेगी। इस तरह से फेंट लेंगे। आप चाहें तो एक बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं और एक बर्तन से दूसरे बर्तन में इस तरह से फेंट सकते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिए हैं, इसके ऊपर अच्छी तरह से झाग आ गया है। अब इस दूध को हम इन बर्तनों में इस तरह से ऊपर से डालेंगे ताकि इसमें भी अच्छी तरह से झाग आए और थोड़ा खाली ही रखेंगे ताकि जामुन लगाने में हमें परेशानी ना आए। तो मिट्टी के बर्तन में जमाए हुए दही बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। देखिए इसके ऊपर कितना सारा झाग आ गया है। अब दूध डालने के बाद थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस गुनगुना ही रहने देंगे। इसे ना ही ज़्यादा गर्म रखना है और ना ज़्यादा ठंडा रखना है, बस इतना रखना है ताकि हमारी उंगलियाँ इसे सहन कर सके। तब तक क्या करेंगे, इसमें जामुन जो है हमारा उसमें थोड़ा सा दूध ले लेंगे। इसमें दूध डालने के बाद इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे।
ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये थोड़ा सा ठंडा ना हो जाए। 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब इसे चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है दही जमाने के लिए, उंगली हमारी इसे सह सकती है। अब इसमें हम एक एक चम्मच जामुन गिराएंगे, एक चम्मच इसमें गिराएंगे और एक चम्मच इसमें गिरा देंगे। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर प्लेट डाल के इसे ढक के कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। मैं इसे हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। 5-6 घंटे बाद दही हमारी अच्छे से जम जाएगी, तो मिलते हैं दही जमने के बाद। दही हमारी अच्छी तरह से जम चुकी है। मैंने इसे जमने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे, इसे फ्रिज से निकाल लिए हैं। फ्रिज में रखने से ये अच्छी तरह से सेट हो जाती है और मलाई जो पड़ती है इस दही के ऊपर वो भी मोटी मलाई पड़ती है। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितनी मोटी मलाई पड़ी है, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। एकदम बढ़िया दही जम के तैयार हुई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। कितनी मोटी मलाई पड़ी है मैं इसे काट के दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दही जमी है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। बहुत ही बढ़िया दही जम के हमारा तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से दही को जमाएं, बहुत ही अच्छी मोटी मलाईदार दही जमेगी, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये दही जमाने का तरीका पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।